नमस्कार, आप हैं खबरदार न्यूज के साथ और मैं हूं वेद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज चौराहे पर राष्ट्रीय कल्याण मंच के अध्यक्ष अनोद कुमार रावत और राष्ट्रीय कल्याण मंच के अन्य पदाधिकारियों ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला दहन कर अपना विरोध व्यक्त किया। अब जो हमारे यहाँ के सैनिक मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन भी किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कल्याण मंच के पदाधिकारी और अन्य लोग भी पुतला दहन करने में शामिल हुए और विदेशी बस्तियों को बहिष्कार करने का दावा भी किया और सरकार से अनुरोध किया है कि हमारे यहाँ के लोगों को यहीं पर रोजगार उपलब्ध कराए जाएँ और उद्योग धंधों को भी बढ़ाया जाए ताकि यहाँ के लोग यहाँ की बस्तियों का उपयोग करें और यहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। और साथ ही चीनी राष्ट्रपति मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। जिस तरह की ये घटना है, जिस तरह की कई सारी युद्ध जैसा कई सारी बार बॉर्डर पर देखने को मिला है और अभी जिस तरह से जो एक ये कहा गया कि जो हथियार लेकर के वहाँ पर बॉर्डर पर वहाँ पर जो 2 किलोमीटर का राउंड था वहाँ पर नहीं जाना था, लेकिन इसमें कई सारे लोगों ने ये सवाल उठाए कि बॉर्डर पर वो बिना हथियारों के कैसे भेज दिया गया, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, उसका भी जवाब आ गया। फिलहाल कुल मिलाकर अभी इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो इंटरनेशनल कानून है उस इंटरनेशनल कानून के तहत किसी भी इंटरनेशनल सीमा पर 2 किलोमीटर की नहीं दी गई। कोई भी जो है सैनिक अगर वो करता है तो वहाँ पर हथियार लेकर नहीं जाया जाता है, क्योंकि वहाँ समझौते के तौर पर जाया जाता है। और इसी तरह से जो हमारे देश की सेना के लोग थे वो लोग वहाँ निहत्थे लोग 40 सैनिक हमारे गए और जिस तरीके से पूर्वक और या धोखे से कहा जाए धोखे से जिस तरीके से धोखे से मारा गया है हमारे सैनिकों को और उस तरीके से बहुत ही जघन्य अपराध बनता है।
और इसको इंटरनेशनल कोर्ट में इसको जो है इसका बहिष्कृत करना होना चाहिए। बड़ा सवाल ये है कि सभी लोग चीनी सामान का विरोध कर रहे हैं, एक यहाँ पर एक बात ये है कि जो सामान की आपूर्ति है, एक सबसे सामान की आपूर्ति वो चाइना ही करता आया है, हमारे क्या विकल्प होना चाहिए? देखिए, जब तक हमारे संबंध अच्छे थे तब तक हमारे सामानों का आदान प्रदान होता था, क्योंकि अगर हमारे आपके संबंध अच्छे हैं तो हमारे रिश्ते भी जाहिर सी बात है कि अच्छे थे। लेकिन जिस तरीके से कायराना हरकत और ये क्रूरता का परिचय दिया है चीन ने, उस तरीके से हमारे संबंध को अच्छे रहने सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम उसके हर प्रोडक्ट का हम लोग विरोध करेंगे और खुल के विरोध करेंगे। विरोध करने के साथ साथ ये भी हम जानना चाहेंगे कि उसका विकल्प क्या, विकल्प के बारे में आप विकल्प क्या देखिए, उसका विकल्प ये है कि जो हमारे देश के जो वरिष्ठ साथी हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं और जो आर्थिक व्यवस्था के जो शोधक हैं, जो इसके जो विचारक हैं, तो वो लोग छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा और औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग कदम बढ़ाएं, जिससे हमारे देश में सारे प्रोडक्ट तैयार होंगे और हमें कोई ज़रूरत नहीं दूसरे देश का प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। जब हमारे यहाँ हर चीज़ तैयार होगी तो हम बाहर से कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे, बाहर से कोई प्रोडक्ट नहीं देंगे। केंद्र सरकार से आप हम मांग करते हैं सरकार से, हम आपके चैनल के द्वारा हम जो है सरकार से ये मांग करते हैं कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा उद्योग में सरकार को जनता के बीच में समझाना चाहिए, ताकि हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और इससे हमें उसका मुकाबला कर सके, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो सके। हमें कोई ज़रूरत नहीं चाइना जैसे क्रूर देशों का जो है सामान और उनका प्रोडक्ट यूज़ करने की कोई जरूरत नहीं।